हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फॉर ऑल। इस सीरीज में मैं आपको चार धाम यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चार धाम यात्रा 3 मई 2022 से शुरू हो रही है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री, 6 मई को केदारनाथ, 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सो अगर आप भी चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गवर्नमेंट ने चार धाम यात्रा के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। सभी यात्रियों को अब नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ आना होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको यमुनोत्री धाम के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला गढ़वाल में स्थित मां यमुना का उद्गम स्थल है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में सबसे पहले जिस धाम का नाम लिया जाता है वो यमुनोत्री है। आप भी अपनी चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू कर सकते हैं। यमुनोत्री ही वो स्थान है जहां से यमुना नदी निकलती है और यमुनोत्री की ऊंचाई समुन्दर तल से 3290 मीटर है। So, इस वीडियो में मैं आपको यमुनोत्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यमुनोत्री कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा यमुनोत्री यात्रा का। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यमुनोत्री धाम आप बाय पर्सनल कार, टैक्सी, बस, ट्रेन और फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है, जहां से यमुनोत्री की दूरी 210 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो भी आप देहरादून रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जहां से यमुनोत्री की दूरी 172 किलोमीटर रह जाती है। ऋषिकेश और हरिद्वार से भी आपको यमुनोत्री के लिए बस और टैक्सी की सर्विस इजीली मिल जाएगी। ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम की दूरी 213 किलोमीटर है। यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको जानकी चट्टी पहुंचना होता है। ऋषिकेश से बस आपको 400 से 500 रुपए और अगर आप टैक्सी हायर करके जाएं तो 700 से 8000 रुपए तक लग सकते हैं। बस से पहुंचने में आपको 8 से 9 घंटे और टैक्सी से पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। बस की टाइमिंग आप ऑनलाइन जरूर चेक कर लें। अगर आपको जानकी चट्टी की डायरेक्ट बस नहीं मिल रही तो आप बरकोट या दरसू बैंड की बस ले सकते हैं और वहां से आगे लोकल बस या शेयर टैक्सी से यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर है, जो आपको पैदल तय करनी पड़ती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप दो रूट से यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। पहले रूट से आप ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, धरसू बैंड, बरकोट से होते हुए यमुनोत्री पहुंच सकते हैं और दूसरा रास्ता है ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, यमुना ब्रिज, बरकोट और यमुनोत्री। बेस्ट टाइम की बात करें तो मई टू जून मोस्टली लोग चारधाम की यात्रा करते हैं। इस टाइम में आपको काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी और होटल के प्राइस भी नॉर्मल से थोड़े ज्यादा मिलेंगे। जुलाई टू अगस्त रेनी सीजन रहता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सबसे बेस्ट टाइम रहता है चारधाम यात्रा का। इस टाइम में आपको भीड़ भी कम मिलेगी और होटल भी नॉर्मल रेट पर मिल जाएंगे। और भाई दूज के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। होटल या धर्मशाला, बरकोट या जानकी चट्टी वाले एरियाज में ले सकते हैं। एवरेज होटल या धर्मशाला यहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपए में मिल जाती है। डे वन पर आप होटल पहुंचकर बरकोट या जानकी चट्टी में स्टे करें और डे टू की सुबह आप यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू करें। जानकी चट्टी से आपको पैदल 6 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री धाम तक पहुंचना होता है और आप यहां पर घोड़े, पिट्ठू या पालकी से भी ये 6 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर सकते हैं। पालकी से आने जाने के चार्जेस 2 से 2500 और पिट्ठू या घोड़े से आने जाने के चार्जेस 700 से 1000 रुपए तक रहते हैं। रास्ते में आपको टी पॉइंट्स, स्नैक्स और रेस्ट पॉइंट भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप भारत की दूसरी और सबसे पूजनीय और पवित्र नदी
माँ यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। कहा जाता है कि यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री हैं और भगवान यमराज की बहन हैं। जब देवी यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उन्होंने अपने भाई यम को छाया दोष से मुक्त करने के लिए कड़ी तपस्या की और उन्हें छाया दोष से मुक्त भी करा दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान यम ने यमुना जी को वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने अपने भाई को कहा कि वो उनके जल को इतना पवित्र और स्वच्छ बना दे कि इस नदी के जल को पीने वाला कोई भी व्यक्ति शारीरिक रोग से मुक्त हो जाए। तब भगवान यम ने देवी यमुना को वरदान दिया कि कोई भी व्यक्ति यमुना का जल पीकर शारीरिक रोग से मुक्त हो जाएगा और जो भी यमुना में स्नान करेगा वो अकाल मृत्यु से मुक्त रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप तप्त कुंड में स्नान करके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सप्तऋषि कुंड जो कि एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट है यमुना नदी का, उसे देखने भी जा सकते हैं। यमुनोत्री धाम में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, सो सेम डे ही आपको नीचे जानकी चट्टी पहुंचना होगा। डे टू पर आप यात्रा से आने के बाद होटल में रेस्ट करें और डे थ्री पर वापस ऋषिकेश या आगे चार धाम की यात्रा कंटिन्यू करके गंगोत्री धाम जा सकते हैं। सो इस तरह से आप ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम की यात्रा 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन में कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गंगोत्री धाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।